उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह के बेटे तुषार के कॉलेज और पेट्रोल पंप पर विजिलेंस ने छापेमार कार्रवाई की है। दरअसल मामला उस वक्त का है जब हरक सिंह रावत बीजेपी सरकार और कैबिनेट मंत्री थे और उनके पास वन विभाग था। उस वक्त कार्बेट पार्क में अवैध कटान हुआ था, जिसकी जाँच तभी से चल रही है, जिसमें कई अधिकारियों को उस वक्त भी हटाया गया था। विजिलेंस के निदेशक वी मुरुगेशन ने कहा कि कुछ प्रॉपर्टी वन विभाग में क्रय की गई थी, जिसका कि इस्तेमाल हरक सिंह रावत के बेटे के कॉलेज में हो रहा है। उसी के लिए आज विजिलेंस की टीम जांच करने के लिए वहां पर पहुंची थी और साथ ही संबंधित अधिकारियों के द्वारा पूछताछ की गई है। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हमारी जो पुराने एक डीएफए का केस है कॉबर नेशनल पार्क का, जो अवैध कटान से रिलेटेड, उस केस पे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ते हुए हमें ये सूचना इन्फॉर्मेशन आई थी कि कुछ प्रॉपर्टी सरकारी उस पे पैसे से खरीदी गई, वो कहीं प्राइवेट प्लेसेस में है। उस प्राइवेट प्लेसेस को हमने पता कराए, वहाँ पे हमारी विजिलेंस टीम जांच कर रही है, सर्च कर रही है। जैसे उसका आगे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, तब वो प्रॉपर्टी किसका था, किसने यूज़ कर रहा, वो सब आगे इन्वेस्टिगेशन होगा, तब हम आपको क्लियर करते हैं।